हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में हजरत अमीर खुसरो को उनकी अम्मी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ले जाती हैं और कहती हैं कि आप ये हमारे खानदानी मुर्शद हैं, हमारे फैमिली गुरु हैं, तो आप इनसे बहुत अदब से मिलिए और इनका हाथ छूमिए और बैठ दीजिए उनसे आप, और यही अब आपके मेंटोर हैं, यही आपके सब कुछ हैं। तो हजरत अमीर जो थे छोटी उम्र के थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात सस्पिशियस किस्म के बुज़ुर्ग मालूम पड़ते हैं और लंबी सी इनकी दाढ़ी है और चोगा पहन रखा है इन्होंने और कज पहना हुआ है, कौन है ये, तो मुझे नहीं मिलना ऐसे किसी शख्स से। तो वो बाहर सीढ़ियों पे बैठ गए और अंदर जाने से उन्होंने मना कर दिया। आप लोगों में से कईयों ने गुरुद्वारा दमदमा साहिब के बारे में सुना होगा जो हुमायूं के मकबरे के पीछे है, तो ये वाकया उस जगह का है जो कि चिल्ला निज़ामुद्दीन कहा जाता है, जहाँ उनकी खानकाह यानी उनका घर, उनकी रिहाइश था और साथ में वो जगह जहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते और दुनिया भर से लोग उनसे मिलने आते। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त पे इनसे मिलूँगा, अगर छे तो आई विल आस्क हिम अ क्वेश्चन, I will position a question to him poetically, and if he replies to that question, if Hazrat Nizamuddin Auliya answers my question, then I, Amir Khusro, will meet him. तो उन्होंने जिद पकड़ ली, तो वहाँ बैठ के वो पर्शियन में, फारसी में शायरी करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तू आ शाहे के बर ऐवान कसरत, तू शाह है, यू आर अ किंग एंड आई हैव कम टू योर पैलेस। कबूतर गर नशीनत बाज गर्दत, आई हैव हर्ड दैट दोज हु कम हियर एज पिजन्स रिटर्न एज फैल्कन्स। गरीब मुस्तमंदे पर दरामद बियायद अंदरू या बाज गर्दत। तो मैं गरीब, मिस्कीन और बीमार, आई एम बिरेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, आई एम इम्पॉवरिश्ड, इंटेलेक्चुअली इम्पॉवरिश्ड एंड अफ्लिक्टेड, एंड आई हैव कम टू यू। बियायत अंदरू, विल आई बी आस्क्ड टू एंटर या बाज गर्दत, और विल आई बी टोल्ड टू लीव। नाउ ही इज यूज्ड बाज गर्दत ट्वाइस, सो वंस इट मीन्स return as a falcon and the second time it means to be shooed away. So, itni choti umar mein is tarike ki shayari karna bahut hi prodigious ek shakhs ki ek pehchan ho. To uske baad kaha jata hai ki andar se ek aawaz aati hai, sada aati hai ki Hazrat Nizamuddin Auliya us bacche ki baat ko sunte hain aur jawab dete hain ki biayad andarun मर्द हकीकत बा आमा यक नफस हमराज गर्दन। हजरत निजामुद्दीन औलिया रिप्लाइज एंड सेज कम इन ओ सीकर ऑफ द ट्रूथ एंड यू टू फॉर वन मोमेंट बिकम प्रिवी टू द सीक्रेट्स ऑफ द सीक्रेट्स। तो जब हज़रत अमीर खुसरो अंदर दाखिल होते हैं उनसे मिलने, तो अपने पीर मुर्शद की आँखों को देख कर या उनके मुंह से निकल पड़ता है कि बेसाख्ता के छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, यू हैव स्टोलन माई आइडेंटिटी माई सेल्फ माई ईगो विद जस्ट वन glance and you have made me your own। baat agham keh di nahi re mo se naina milai ke, you have said something very profound, very deep with just one glance। to mulaiza farmaiye
छाप तिलक सब चीनी। Yeah.
छाप तिलक सब छीनी सब मम दमन समीरा दिवाली लगर सब मम 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 Mama,
हजरत बेगम शाहवासी कहते हैं कि अफलाक से लाई जाती है, अफलाक से लाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, तौहीद की मैं साहर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। इसीलिए बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम में पीते, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम में पीते, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम में पीते। कोई ऐसे वैसी मैं पीजे तौहीद की मैं पीजे, तौहीद की मैं पीजे, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम में पीजे, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम में पीजे, हमारे हाथ से दो चार चांद भी पीजे, हमारे हाथ से दो चार चांद भी पीजे, दो चार चांद भी पीजे। Oh, hey, man.
माथे पे भी दिया हाथों में मेहंदी सर पे बसंती ओढ़े चुनरिया माथे पे भी दिया हाथों में मेहंदी सर पे बसंती ओढ़े चुनरिया पांव में पायल नाचू मैं छप छप पांव में पायल नाचू मैं छप छप खाया Oh, thank you.
सभा में जो चश्मी सूफी की इमेजिनेशन है उसमें रंग के बिना अपने पीर की जो है खिदमत वो जज्बा पूरा नहीं होने। हमारे यहाँ होली मनाई जाती है। अब होली जो है पहले जब सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार था तो उसमें होलिका को जलाया जाता था और ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल माना जाता था और ये कहा जाता था कि एक बहुत गुड और ईवल का भी एक साइन है कि आज सही की गलत पे फतेह हुई जी। तो होली का दहन करके ये खाया जाता था। बाद में जब सूफी हजरात और जो दूसरे संस्कृतियों के दूसरी तहजीबों के लोग जब इसमें शामिल हुए तो पिचकारी गुलाल अबीर रंग ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल एशियन कल्चर का हिस्सा है वो होली में जुड़ जाती हैं आकर। तो होली एक सही मायनों में गंगा जमुनी तहजीब का त्यौहार है। कई चीज़ें इसमें अलग अलग संस्कृतियों से आके जुड़ी। तो हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब होली के बारे में कहते हैं कि बात की गवाही देते हैं कि आप परमात्मा हैं, आप खुदा हैं, आप नारायण हैं, आप अल्लाह हैं, आपने हमें बनाया और आपके जैसा हम कोई नहीं। तो बाबा बुल्ले शाह साहब ये फरमाते हैं
Regale, 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 regale.